व्हाट इज सूडो? सूडो फोर्स होता क्या चीज है उसको हम लोग समझेंगे। सूडो फोर्स पहले बात तो नाम से ही लग रहा है, सूडो एक फिक्टीरियस इनर्शियल या डीएलम्बर्ट, इसका अलग अलग नाम है। एक इमेजिनरी फोर्स है, एक हाइपोथेटिकल फोर्स है जो न्यूटन के लॉ को नॉन इनर्शियल फ्रेम में सही करने के लिए बनाया गया है, ठीक है। तो ये अपेरेंटल फोर्स होता है जो एपियर होता है और ये नॉन इनर्शियल फ्रेम में ही लगता है। अब सूडो कई टाइप के होता है बच्चों। सूडो जो होता है वो स्ट्रेट लाइन मोशन में भी होता है, सूडो रोटेशनल मोशन में होता है जिसको कोरिलिसिस फोर्स या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी बोलते हैं, और एक और यूलियर फोर्स भी होता है, ठीक है। तो ये अलग अलग टाइप का सूडो हमें बेसिकली मतलब लीनियर वाले में ज़्यादा मिलेगा और ये कोरिलिसिस और सेंट्रीफ्यूगल मिलेगा 12th लेवल पर, ठीक है। तो चलो बात करते हैं सूडो। सूडो एक क्लियर है, सूडो एक हाइपोथेटिकल इमेजिनरी फोर्स है। फॉर एग्जांपल अगर आप देखे होगे, अगर इमेजिन करो आप बस में बैठे हो, सूडो को आप समझने के लिए सिंपल सा है। अगर एक बस है, इस बस में एक ऑब्जर्वर बैठा है, ठीक है। तो अगर ये बस जैसे ही आगे एक्सलेट होगी, समझना, जैसे ही आगे एक्सलेट होगी आप देखे होगे कि ये जो ऑब्जर्वर है वो पीछे की, जैसे ही बस आगे एक्सलेट होगी ये ऑब्जर्वर पीछे की डायरेक्शन में एक फोर्स फील करेगा, ठीक है। ये ऑब्जर्वर एक फोर्स, हाइपोथेटिकल फोर्स फील करेगा जैसे ही बस आगे एक्सलेट होगी, जस्ट एक्सलेटन के टाइम में या एक्सलेट होने के बाद भी इस पे फोर्स हमेशा लगेगा। तो ये जो फोर्स एम ए, मास ऑफ द बॉडी और एक्सलेशन ऑफ फ्रेम, ये जो फोर्स एम ए फील किया वही एक सूडो फोर्स है। या सर्कुलर मोशन, जब भी जैसे एक बस है अगर सर्कुलर मोशन में मुड़ती है, आप देखे होंगे रियल लाइफ में, ठीक है। इसको फील करो कि अगर यहाँ पर कोई ऑब्जर्वर ऑब्जर्वर है, बस में ऑब्जर्वर कोई बैठा है और ये बस जैसे ही मुड़ेगी तो ऑब्जर्वर आउटसाइड की डायरेक्शन में एक सूडो फोर्स फील करेगा जिसको हम सर्कुलर मोशन में, उसको हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये एक जो फील कर रहे हैं आप उस फ्रेम में बैठ के, नॉन इनर्शियल फ्रेम में बैठ के जो ऑब्जर्वर फील कर रहा है वही एक सूडो हाइपोथेटिकल फोर्स है। देखो जो नॉन इनर्शियल उसके लिए तो रियल हो गया ना भाई, वो जो फील कर रहा हो ये एक रियल फोर्स फील कर रहा है, ठीक है। बट इसका सोर्स पता नहीं है इसलिए इसको हम लोग हाइपोथेटिकल फोर्स बोलते हैं, क्लियर है। चलो इसको लगाएंगे किधर, इसको अप्लाई कैसे करते हैं। तो सूडो अप्लाई करने का हमेशा सिंपल सा तरीका है, सूडो फोर्स की जो वैल्यू होती है मास ऑफ द बॉडी, मास ऑफ बॉडी जिस बॉडी पे लगाया जाएगा, और मल्टीप्लाइड बाई एक्सलेशन ऑफ फ्रेम, ठीक है। और माइनस साइन, माइनस साइन क्या कहता है कि सूडो फोर्स की जो वैल्यू होती है, वेक्टर में अगर लिखोगे माइनस मास ऑफ द बॉडी और एक्सलेशन ऑफ फ्रेम, मतलब ये जो फोर्स होता है वो फ्रेम के एक्सलेशन के हमेशा अपोजिट होता है, माइनस साइन इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। तो वो हमेशा अपोजिट, जैसे ये ऑब्जर्वर है अगर आप यहाँ से देखो अच्छे से, एक ऑब्जर्वर नॉन इनर्शियल फ्रेम में है, सूडो लगाएगा कौन, वह ऑब्जर्वर लगाएगा जो हमेशा नॉन इनर्शियल फ्रेम में है। तो नॉन इनर्शियल फ्रेम क्या होता है हम सबको पता होगा पहले से, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऐसा फ्रेम होता है जो एक्सेलरेटेड हो, ठीक है, जिसके पास एक्सलेशन है। अब इमेजिन करो ये जो बस है वो ए एक्सलेशन से आगे जा रही है, तो ये जो ऑब्जर्वर है वो एक नॉन इनर्शियल फ्रेम में है, नॉन इनर्शियल फ्रेम में है, और इसी को अथॉरिटी है, इसी को परमिशन है सूडो लगाने का। वह ऑब्जर्वर जो नॉन इनर्शियल फ्रेम में है वही सूडो लगाएगा, वो इनर्शियल वाला नहीं लगाएगा। तो अगर ये सूडो लगाएगा तो ये कहाँ लगाएगा, तो ये नॉन इनर्शियल पे, जैसे ये ऑब्जेक्ट है या अपने फ्रेम में कोई मास है यहाँ पर, उस सभी पे लगाएगा। जैसे अगर इस वाले ब्लॉक, इस पे लगाना ये चाहता है तो ये लिखेगा, अगर इस ब्लॉक का मास एम है तो ये सूडो लिखेगा इसके एक्सलेशन के अपोजिट, ये अपने फ्रेम का एक्सलेशन रखेगा, ये एक्सलेशन ये रखेगा, और मान लो इस फ्रेम का एक्सलेशन A2 है, तो ये जो लिखेगा इस मास ऑफ द बॉडी, मास ऑफ द ब्लॉक और एक्सलेशन A लिखेगा, ना कि A2 लिखेगा, और इस पे अपोजिट डायरेक्शन में लगाएगा। तो सूडो हमेशा एक्सलेशन के फ्रेम के अपोजिट लगेगा, एक इमेजिनरी हाइपोथेटिकल फोर्स है क्योंकि इसका सोर्स पता नहीं है कि कौन लगा रहा है, इसके अलग अलग नाम है। और इसके बारे में थोड़ा सा और इन्फॉर्मेशन हम ले लेते हैं और बाद में हम डिटेल में देखेंगे दूसरे लेक्चर में। सूडो लगाने की जो सबसे बड़ी बात है, सूडो सूडो लगाने की तीन बातें हमारे साथ, इट शुड बी टेकन इन नॉन इनर्शियल फ्रेम ओनली।
मतलब नॉन इनर्शियल फ्रेम में ही न्यूटन के नियम गलत रॉन्ग अपीयर होता है, तो उसको सही करने के लिए हम इस सूडो को कॉन्सेप्ट को लेके आते हैं। तो जो नॉन इनर्शियल फ्रेम में ऑब्जर्वर है या ऑब्जेक्ट है उस पे ही सूडो लगेगा। दूसरा, इट्स मैग्नीट्यूड इक्वल टू द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट जिस पे लगाया जा रहा है उसका मास और एक्सलेशन ऑफ फ्रेम से मल्टीप्लाई करूंगा मैं। तीसरा, सूडो लगाने का इम्पोर्टेंट बात, डायरेक्शन ऑफ सूडो ऑलवेज अपोजिट होता है एक्सलेशन ऑफ फ्रेम। जिस नॉन इनर्शियल फ्रेम में ऑब्जर्वर बैठा